नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी उपन्यास और उपन्यासकारों से संबंधित वीडियो है। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया वीडियो है। और दोस्तों, चाहे नेट हो, चाहे स्लेट हो, जीआरएफ हो, व्याख्याता परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी उपन्यास और उपन्यासकारों का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर 78 जो उपन्यास और उपन्यासकारों के नाम हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टेड उपन्यासों के नाम, उनके रचनाकारों के नाम इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न अपने सामने दिख रहा है, आंगन में एक वृक्ष। और दोस्तों, इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रश्न है वो किताबों में आंगन में एक वृद्धा लिखा हुआ है। बहुत सी किताबों में आंगन में एक वृद्धा लिखा हुआ है और मैंने भी एक दो वीडियो में इस प्रश्न को दे दिया था, आंगन में एक वृद्धा। और आपका कमेंट नहीं आया, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना है, आंगन में एक वृक्ष। दोस्तों, आपका कमेंट आते ही मैं समझ जाता हूँ कि भाई इस प्रश्न में कहीं ना कहीं त्रुटि है और मैं उसको तुरंत सुधार देता हूँ। तो अगर ये प्रश्न आपको कहीं भी दिखे तो आप आंगन में एक वृक्ष से इसको समझें। बिल्कुल सही यही है, दुष्यंत कुमार की रचना है, आंगन में एक वृक्ष। चलिए, राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है, राग दरबारी। नेक्स्ट अपना है, मुझे चांद चाहिए। उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे है। तीसरा आदमी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो तीसरा आदमी उपन्यास है, उसके लेखक का नाम कमलेश्वर है। कमलेश्वर जी का उपन्यास है तीसरा आदमी। हम सब मनसाराम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मुद्रा राक्षस का उपन्यास है हम सब मनसाराम। मुद्रा राक्षस का उपन्यास हम सब मनसाराम। अब यहां पर देखिए दोस्तों, दो प्रश्न आपको मैं दूंगा। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये उपन्यास है और हिमांशु जोशी का उपन्यास है। और आपने हमने सबने जो प्रसिद्ध रचना पढ़ी है उसका जिक्र हम नीचे वाले प्रश्न में करेंगे, लेकिन यहां पर छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक का नाम हिमांशु जोशी है। और इसी नाम से देखो रचना है, ये प्रश्न छाया मत छूना मन काव्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो ये काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर का है। तो छाया मत छूना मन ऊपर वाला प्रश्न उपन्यास के रूप में हिमांशु जोशी की रचना है और छाया मत छूना मन काव्य संग्रह है, उसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भारत भूषण अग्रवाल का ये उपन्यास है, लौटती लहरों की बांसुरी। अगला है, सफेद मेमने उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मणि मधुकर का उपन्यास है सफेद मेमने। सफेद मेमने मणि मधुकर का उपन्यास है। धरती मेरा घर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। रांगे राघव का ये उपन्यास है धरती मेरा घर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए, अलका सरावगी की ये उपन्यास रचना है शेष कादंबरी। नरक कुंड में वास उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है नरक कुंड में वास। पागल कुत्तों का मसीहा
उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। सलाम आखिरी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मधु कांकरिया का ये उपन्यास है सलाम आखिरी। तो मधु कांकरिया का उपन्यास सलाम आखिरी। अपने अपने कोणार्क उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। चंद्रकांता का उपन्यास है अपने अपने कोणार्क। अब देखिए मुर्दू का टीला उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। रांगे राघव का उपन्यास है मुर्दू का टीला। तो मुर्दू का टीला उपन्यास है वो रांगे राघव का उपन्यास है। और दूसरा प्रश्न मुर्दू का गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है मुर्दू का गांव और रांगे राघव का उपन्यास है मुर्दू का टीला। महाभोज उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मनु भंडारी का उपन्यास है महाभोज। तो महाभोज उपन्यास है वो मनु भंडारी का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। अब देखिए एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। ये ममता कालिया का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का उपन्यास है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। और एक पति के नोट्स ऊपर आया था एक पत्नी के नोट्स और यह है एक पति के नोट्स। उपन्यास के लेखक का नाम बताइए महेंद्र बल्ला का उपन्यास है। तो दोनों रचनाएं हैं एक पति के नोट्स एक पत्नी के नोट्स। और एक पति के नोट्स की रचना महेंद्र बल्ला ने की और जो एक पत्नी के नोट्स रचना की रचना ममता कालिया ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जमीन अपनी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी। तो एक जमीन अपनी है वो चित्रा मुदगल का उपन्यास है। चीवर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। रांगे राघव का उपन्यास है चीवर। तो चीवर उपन्यास है वो रांगे राघव का उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। राही मासूम रज्जा का उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव उपन्यास है वो राही मासूम रज्जा का उपन्यास है। आधा पुल अब है आधा पुल फुल नहीं है भाई पुल है ये फुल हो गया। मैं इसको बदल देता हूं। आधा पुल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो आधा पुल उपन्यास के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। तो एक बार दोनों पुनः देख लेते हैं इन दोनों प्रश्नों को थोड़ा सा। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम राई मासूम रजा है और आधा पुल उपन्यास के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। तो जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है आधा पुल। अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये रांगे राघव का उपन्यास है अंधेरे के जुगनू। रांगे राघव का उपन्यास है अंधेरे के जुगनू। पतन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पतन उपन्यास के लेखक का नाम भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है पतन। आखिरी आवाज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आखिरी आवाज तो आखिरी आवाज उपन्यास के लेखक का नाम है रांगे राघव। रांगे राघव का उपन्यास है आखिरी आवाज। तमस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उपन्यासकार का नाम बताना है अपने को। तो भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। तमस उपन्यास है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है। सुनी घाटी का सूरज सुनी घाटी का सूरज उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सुनी घाटी का सूरज। पांचाली उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। डॉक्टर बच्चन सिंह का उपन्यास है पांचाली। और पांचाली नाम से अन्य रचनाएं भी हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखें जाए। पांचाली उपन्यास है और डॉक्टर बच्चन सिंह का उपन्यास है। मरु प्रदीप उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है मरु प्रदीप। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा।
तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, मोहन राकेश का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे। मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है ये मैला आंचल। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। चारू चंद्र लेख उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, चारू चंद्र लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारू चंद्र लेख। तो चारू चंद्र लेख है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाट। ठेठ हिंदी का ठाट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता वो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, उपन्यासकार का नाम बताना अपने को। तो ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अगला है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए, मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा। पुनर्नवा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अप्सरा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, अप्सरा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अप्सरा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सरकार तुम्हारी आंखों में उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, सरकार तुम्हारी आंखों में। तो ये पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है सरकार तुम्हारी आंखों में। अमर अभिलाषा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताना अपने को, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है अमर अभिलाषा। सात घूंघट वाला मुखड़ा, सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, अमृतलाल नागर का उपन्यास है सात घूंघट वाला मुखड़ा। नारी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, तो ये सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है नारी। नारी उपन्यास है वो सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है। जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, तो यहां पर जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम इला चंद्र जोशी है। तो ये इला चंद्र जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी परती परी कथा, परती परी कथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, परती परी कथा उपन्यास के लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है परती परी कथा। किशनगढ़ का अहेरी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, उपन्यासकार का नाम है संजीव। किशनगढ़ का अहेरी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम संजीव है। तो संजीव का उपन्यास है किशनगढ़ का अहेरी। मेरा नाम तेरा नाम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, मुद्रा राक्षस का उपन्यास है मेरा नाम तेरा नाम। तो मेरा नाम तेरा नाम उपन्यास है वो मुद्रा राक्षस का उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, अमरकांत का उपन्यास है। अमरकांत का उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। तो दोस्तों वीडियो में कोई अगर त्रुटि हो तो आप कमेंट जरूर करें ताकि तुरंत उसको हटा दिया जाए उस प्रश्न को, क्योंकि मेरे कई साथी हैं जिनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कमेंट आने के बाद मैं सोचता भी नहीं हूं ज़्यादातर कि भाई गलती है या नहीं है, क्योंकि प्रबुद्ध साथी जो भी कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं और तुरंत मैं उस प्रश्न को हटाने का प्रयास करता हूं और हटा भी देता हूं ताकि जो नए देखने वाले बंधु हैं उनको वो प्रश्न गलत न मिले। तो मेरे कई साथियों का योगदान है इसमें और बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चैनल मैं नहीं चला रहा,
चैनल आप चला रहे हैं और सच्चे रूप में जो आपके प्रयास से ही ये अपने भाई बहनों तक पहुंच रहा है। तो इन्हीं अक्षरों से उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, अमरकांत। धरती की आंखें उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, लक्ष्मी नारायण लाल का ये उपन्यास है, धरती की आंखें उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के उपन्यासकार उपेंद्रनाथ असक की रचना है बड़ी बड़ी आंखें। कितनी आंखें उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, तो ये राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है कितनी आंखें उपन्यास है वो राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। बीज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, बीज उपन्यास के लेखक का नाम अमृत राय है, अमृत राय का उपन्यास है बीज। धरती धन्य अपना और यादों का पहाड़, दो उपन्यास है, धरती धन्य अपना और यादों का पहाड़ उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए, जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास है धरती धन्य अपना और यादों का पहाड़। आदमी और जंजीरें उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए, भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है आदमी और जंजीरें उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। और जंजीरें और दीवारें ये उपन्यास नहीं है भैया, आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी है। अब ये जो कंफ्यूज होने वाला सा प्रश्न था इसलिए दोनों प्रश्न दे दिए हैं, ऊपर वाला है आदमी और जंजीरें हैं तो आदमी और जंजीरें उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है उपन्यास है, और जंजीरें और दीवारें आत्मकथात्मक संस्मरण रचना है और यह रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो दोनों में थोड़ा शाब्दिक समानता इसलिए दिया है। अंतिम अरण्य उपन्यास की रचना के रचनाकार का नाम बताइए, निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य उपन्यास है निर्मल वर्मा का उपन्यास है। पीली आंधी रचना के रचनाकार का नाम बताइए, ये उपन्यास नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मिलान के लिए दिया गया प्रश्न है। पीली आंधी रचना के रचनाकार का नाम प्रभा खेतान का उपन्यास नहीं है ये, पीली आंधी रचना एक तरह से कहानी संग्रह है तो ये है प्रभा खेतान का। और काली आंधी ये कमलेश्वर की रचना है। तो पीली आंधी और काली आंधी प्रश्नों की समानता के लिए ऊपर वाला पीली आंधी वाला दिया है, कई बार प्रश्नों में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर प्रभा केतान की रचना तो है पीली आंधी और काली आंधी है वो कमलेश्वर की रचना है। अगला है सारा आकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, राजेंद्र यादव का उपन्यास है सारा आकाश है वो राजेंद्र यादव का उपन्यास है। अलमा कबूतरी उपन्यास रचना की रचनाकार का नाम मैत्रेयी पुष्पा है, मैत्रेयी पुष्पा का ये आएगा, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है अलमा कबूतरी। ठीक रे की मंगनी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए, नासिरा शर्मा का उपन्यास है ठीक रे की मंगनी उपन्यास है वो नासिरा शर्मा का उपन्यास है। बात एक औरत की उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए, कृष्णा अग्निहोत्री का ये उपन्यास है बात एक औरत की। चलिए मेरे संधि पत्र उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए, तो ये सूर्यबाला का उपन्यास है मेरे संधि पत्र उपन्यास है वो सूर्यबाला का उपन्यास है। आखिरी कलाम ये देखिएगा उपन्यास के लेखक का नाम दूधनाथ सिंह का उपन्यास है आखिरी कलाम। रहन पर रघु उपन्यास के लेखक का नाम काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रहन पर रघु। पचपन खंभे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा का उपन्यास है पचपन खंभे लाल दीवारें। खुले गगन के लाल सितारे मधु कांकरिया का उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे। कठगोलाब उनके हिस्से की धूप उपन्यासों की लेखिका का नाम बताइए, तो तीन उपन्यास हैं चितकोबरा कठगुलाब उनके हिस्से की धूप उपन्यासों की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा कठगुलाब उनके हिस्से की धूप।
चितकोबरा, कठगुलाब, उनके हिस्से की धूप, मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। टपरे वाले उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। कृष्णा अग्निहोत्री का उपन्यास है टपरे वाले। टपरे वाले है वो कृष्णा अग्निहोत्री का उपन्यास है। और महासमर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, और ये नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, और अखबारों में ये श्रृंखला रूप से कड़ी के रूप में भी चला था। महासमर उपन्यास नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। और जिंदा मुहावरे उपन्यास की लेखिका का नाम नासिरा शर्मा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। सिलेक्टेड जो प्रश्न हैं वो इसमें चयन किए गए हैं, हालांकि त्रुटि हो जाती है, इंसान से गलतियां तो होती हैं, लेकिन उन गलतियों को आपके कमेंट के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। आपका सहयोग, आपका जो स्नेह मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार दोस्तों। आपका सहयोग यूँ बना रहे।